अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि आप लोगों की जो स्लिप है और एडमिशन स्लिप वो कब आएगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सा है मैं ASF की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो सा हूँ मौजूद हूँ, ठीक है। तो इससे पहले यह कि अगर कल की डेट जो सी है वो लास्ट डेट है, अगर किसी कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो फौरन इन अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जल्दी से अप्लाई कर ले, ठीक है। सबसे पहले जो सा क्वेश्चन जो सा स्टूडेंट्स को ये आ रहा है कि भाई उनका अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। अब जिन्होंने तो अप्लाई ऑनलाइन थ्रो प्रोफाइल क्रिएशन के ज़रिए किया है उनका तो इजीली कंफर्म हो जाएगा कि मतलब उनका अप्लाई हो गया है या नहीं हो गया। सिंपली उन्होंने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल के यूँ सिंपली लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे वो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद उनके सामने डैशबोर्ड उनका ओपन आ जाएगा। ओपन होने की ओपन कुछ इस तरीके से होगा। अब मैंने कोई अप्लाई किया ही नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट अप्लाइड ज़ीरो आ रहा है। जब मैंने अप्लाई किया ही नहीं है तो ये मेरे पास इसीलिए ज़ीरो शो हो रहा है। जस्ट मैंने आप लोगों के लिए ही ये मैंने अपना अप्लाई लॉगिन करके दिखाया था कि मतलब इसका इंटरफेस क्या है, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे चेंज करनी है, डैशबोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए ही सिंपली जो सा है वो करके दिखाया था। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली अप्लाई किया है वो कैसे कंफर्म करें कि भाई उनका अप्लाई हो गया है या नहीं हुआ। तो उनके लिए ये है कि आप जो सा है अगर आपने फॉर्म जो फिल किया, फिल करने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा। नोटिफिकेशन क्या कि मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि यहाँ सामने डैशबोर्ड पर ही आपके पास लिखा होगा कि डेयर कैंडिडेट्स योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली सबमिट, या ये आ रहा होगा, ये लिखा आया होगा, या फिर ये लिखा होगा डेयर कैंडिडेट्स योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो जो सा हो गए। अब मैनुअली जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो कैसे श्योर कन्फर्म हो कि भाई उनका अप्लाई हो गया, उनका तो कोई वो नहीं है, बस उन्होंने जिस TCS के ज़रिए अपना फॉर्म जो सा सेंड किया है गिवन एड्रेस के ऊपर, तो उनको उसी पते मतलब जो उनके पास स्लिप है उसी के थ्रू जो सा है वो बस उनके पास एक किस्म की वही निशानी है कि बस वही जो सा उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट के यही सवाल हैं बार बार कि जो सा भाई हमें कैसे पता चले कि भाई हमारा अप्लाई की जो स्लिप है वो कैसे आएगी, कैसे आएगी। अच्छा, फिजिकल यहाँ पे नोट दिया हुआ है, फिजिकल मेडिकल टेस्ट स्लिप विल बी अपलोडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कीप इन टच फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन फॉलोइंग लिंक्स। वो कह रहे हैं कि मतलब आप जो चाहे जो आपका जो ये प्रोसेस है फॉर्म सबमिशन का, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता उससे पहले आप लोगों की स्लिप जो सी है वो नहीं आनी, ठीक है। उससे पहले आप लोगों की स्लिप नहीं आनी, तो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, हमारे साथ जो सा है लिंक में रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो सा है जैसे कोई अपडेट आएगी हम फौरन आपको अपडेट कर देंगे। उसके अलावा आप अपनी इसी वेब जो है इनकी जो ये वेबसाइट हैं इनके ऊपर डेली बेसिस पे चेक करना चाहते हैं तो वो कर लें। बाकी इजी वे मैंने आपको बता दिया कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, मैनुअल वालों की भी बात हो गई है कि भाई वो उनको जो है जो उनके पास TCS की रसीद है बस वही उनके पास प्रूफ है कि उन्होंने अपना फॉर्म जो है वो भेज दिया है, सबमिट करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा स्लिप हम कैसे डाउनलोड करें। स्लिप यहाँ पर जैसे ये बटन बने हुए आ रहे हैं ना सारे, इसी तरीके से यहाँ पर एक और बटन बना हुआ आएगा डाउनलोडेड स्लिप का। आप सिंपली वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे मैंने अभी यहाँ पे साइन अप किया है
साइन इन किया, जस्ट आपने ईमेल आईडी अपनी डाल कर और पासवर्ड डाल कर अपना यहाँ पर जो सा है वो फॉर्म, अपनी जो स्लिप होगी आपकी फिज़िकल मेडिकल टेस्ट की स्लिप होगी वो आपने इजीली डाउनलोड कर ली है नेट कैफ़े से, तब तक जो सा है उस, और ये जो जितना भी प्रोसेस है ना स्लिप वाला, ये ईद के बाद ही आएगा, ईद से पहले नहीं आएगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार करें, ईद इंजॉय करें, गोश्त वोश वगैरह खाएं, हमें भी जो सा है वो भेजें। और इसके अलावा अभी भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि जो सा आप हमें हमारी वो तस्वीर नहीं आई, अपलोड नहीं हुई, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है, कोई इशू होगा नहीं होगा। तो उनसे यही है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताया कि कोई इशू नहीं है, सिंपली आपने अपनी जो सा तस्वीर होगी, पासपोर्ट साइज़, वो उस फॉर्म जब आप प्रिंट निकलवाएंगे तो उसके ऊपर स्लिप के ऊपर जो सा आप लगा के गम स्टिक के ज़रिए आप लगा कर जो सा है टेस्ट वगैरह देने के लिए चले जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि जब आप टेस्ट वगैरह देने के लिए जाएंगे तो आपके पास सिंपली जो सी है वो स्लिप होगी, क्या कहते हैं उसके, स्लिप होगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। अगर कोई इशू वगैरह भी होगा तो आपका NIC आपके पास होगा, तो आपकी तस्वीर जो सा है उससे ईजीली मैच हो जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा यही थी बस इन्फॉर्मेशन। और इसके पास पेपर की लिंक जो सा है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप इजीली वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या डाउनलोड कर लें या फिर उसे वहां पर रीड कर लें, वो सोल्व हुए हैं, आप जस्ट जो सा है उन्हें रीड कर लेंगे, आपकी नॉलेज में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।